सुबह सुबह इमरान भाई ने एक कस्टमर के लिए बकरा जिबा किया। इमरान भाई किसको दिया? मैंने ये बकरा दिया है कस्टमर को। अच्छा, और उसने पूरा बकरा लिया है और जिबा करवाया है। अब इसको खाल उतार के आपको दिखाऊंगा। ये पहले एक टांग की ली जाती है आज। ये देख लें, तरीका बता रहे इमरान भाई, समझ। ये हमारा अपना तरीका है, कोई से नेट हाउस का तरीका नहीं है। ये हमारा अपना दिल्ली वालों का तरीका है। ये दिल्ली वालों का तरीका है। ये पंगल ने अपनी पसंद का बकरा लिया है, मेरे ख्याल से हकीके का है। हकीके के लिए अच्छे बकरे मिल जाते हैं हमारे पास माशाल्लाह। यहाँ से पकड़ के ना इसको, ये पासवे हो रहे हैं बकरे। ये पासवे हो रहे हैं। अपने पासवे सही कर लिए, अब आराम से खाल उतर जाएगी बकरे की। देखिए छुरी देखे कहाँ पे चला रहे हैं। ये मैं आराम से उतार के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ये आप समझे। अच्छा, छुरी कहाँ खाल पे चलानी है? जी, छुरी खाल पे चलाई जाती है। सही, ताकि झिल्ली उसमें लग जाए, गोश्त खराब ना लगे। उन्हें झिल्ली हट जाती है ना, बहुत ही अजीब लगता है। ये दुम बन गया। तो ये इस तरफ से लेके शुरू हो जाए। सफाई देखें माशाल्लाह, और एक मिनट एक दो मिनट में उतर जाता है बकरा। और बकरा ईद में तो माशाल्लाह। इसका पूरे देखें बाहर आ रहा है, खाल में नहीं रहे। ये पाया छोड़ दिया, पाए चारों। ये पाए का जोड़ है, ये देखें जोड़ से लग रहा है। हां भाई जोड़ दिखाओ तो। ये है जोड़, ये देखें जोड़, ये देखिए ये गया जोड़ पे। सही, फिरन काटा दो। अभी ये बकरा टंगाएंगे, टंगा के उतारते हैं। अभी इसमें क्या ये भाई, ये साइड की पहले बख्खी बना के ना, ये पहले मार क्या रहे हो तुम इसमें? हम ये मुट्ठी मारते हैं ऐसे ऐसे करके हमने। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें। आ जाना चाहिए अंदर तक, इसके लिए पावरफुल हैंड चाहिए आप। थोड़ा भाई वीडियो बनाने में इतना एक्सपर्ट नहीं है, मैंने आप चैनल खोला ना, यहीं पर काम करता हूँ। यहाँ से पकड़ा आपने, ये हर कोई नहीं कर पाता। ये देखें, नहीं नहीं इमरान भाई, तुम्हारी वीडियो देख के लोग इंशाल्लाह करेंगे। हम तो चाहते हैं कि सब फायदा उठाए, सब फायदा उठाए भाई, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते इसमें। क्या किसी के काम आ जाए। ये यहाँ से सीना बंद कर, यहाँ मुश्किल मारे। सीने के ऊपर हमेशा आड़ी छुरी चलेगी, सीधी नहीं चलेगी। सही, ये ना आड़ी चलाएंगे छुरी तो चलेगी। अच्छा, यहाँ पे छुरी चलानी पड़ती है, जगह बनानी पड़ती है, फिर यहाँ पे मुक्की मार देते हैं। यहाँ से ये दस्ती के बीच में जगह बन जाती है। अच्छा, मोबाइल जाने वाला था मेरा इमरान भाई। ये देखें दस्तियाँ बाहर आ गई यार, वो जगह तो बताए नहीं। ये गर्दन पकड़ के चले भाई, बकरा उतर गया। अब इसका होगा पोस्टमार्टम। अभी इसका पाव पेट शाक हो जाए, फिर इसकी बॉडी बनते दिखाएंगे आपको। कल वहीं खड़े हुए मेरे ख्याल से। माशाल्लाह बकरा उतर चुका है बहुत ही सफाई के साथ ही। देखिए आप माशाल्लाह, ये हमारे इमरान भाई ने उतारा है।
सफाई चमक चेक करें बल्कि। हम तो चाहते हैं लोगों को काम सिखा दें इधर ही बैठे बैठे। नहीं नहीं इंशाल्लाह लोग देख देना सीख जाए इस काम को, बहुत आसान है, बहुत अच्छा काम है। समझे ना वो बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है। की नहीं फटनी चाहिए, फिर उतारने में अजाब हो जाता है। ये सफाई चल रही है माशाल्लाह, तीन चार चार कारकुन लगे हुए सफाई में। सफाई का बहुत ख्याल करते हैं, सफाई जरूरी है। बंगी कोई नहीं है, सारे दुकान के लड़के हैं, ये सब दुकान के ही लड़के हैं। जैसे घर में करते हैं इसी तरह घर जैसा माहौल है। ये बकरे लग गए आज, बकरे माशाल्लाह बड़े हैवी, हर साइज के 15, 16, 12 किलो, 18 किलो। बकरा आ चुका है यहाँ बनने के लिए। अंकल ने अपनी पसंद से बकरा कटवाया। क्या बनेगा बकस? चलिए अभी बनते हुए दिखाएंगे आपको, कल अपनी पसंद से बनवाएंगे। हर चीज़ अलग अलग शायद बनना है। अब ये वजन हो जाए पहले, इसका वजन होगा बकरे का, फिर ये बनाएंगे। तेरह किलो 400 ग्राम भाई। देखिए सुबह सुबह का टाइम है, बकरे लग चुके हैं। ये दो पीस हो रहे बकरे के, देखिए यहाँ जोड़ होता है। ऐसे तो इतनी देर में अलग हो जाता है। अभी इस बच्चे की ट्रेनिंग चल रही है माशाल्लाह, सेट हो गया काफ़ी हद तक। ये इमरान भाई का ये बनना स्टार्ट हो गया आपका बकरा। अभी पूरा बकरा पहले खुलेगा, फिर इसकी सफाई होगी, फिर उसके बाद गोश्त बिना आपसे पूछे नहीं बनाएंगे। आपकी पसंद गई गोश्त बना, हमारी मर्जी से नहीं बनता। आप जैसे बोलोगे वैसे ही गोश्त मिलेगा। ये नहीं यहाँ कुछ दिखाए घर जाके कुछ और निकले, एक दिन वाला काम नहीं करते। तकरीबन कस्टमर अपने लिए बकरा जिबा करवाते हैं, पूरा बकरा ले आते हैं बनवा के, पूरा समझो काफ़ी दिन चल जाते हैं, पैकेट बनवा लेते हैं। हर पार्ट अलग अलग, ढाई किलो जितना कीमा निकलेगा इसे, जैसा आप बोलोगे वैसे ही बनेगा कुछ। ये वही कर दो, ये दस्ती निकल गई। देखिए चाप यहाँ से निकलती है, चाप
पसीना निकल गया। बाकी ये बिरयानी की जान है, पुलाव बिरयानी। साफ और बुरा इस तरह के आज सादे गोश्त की बात ही कुछ और होती है। देखिए माशाल्लाह और एकदम अलग ही नज़र आता है। अच्छी सेहत के लिए अच्छा गोश्त है। ये दूसरी चाप, ये देखिए चाप पे साफ हो गई है। पानी नहीं पीने का? हाँ भाई बोलो, पीने का पानी नहीं मांग रहे हो? पीने का पानी। सीने साबुत रहेंगे ये जो इमरान भाई के हाथ में। क्या बनेंगे इन सीनों के लड्डे से दूसरे पूछ कर अंदर सीने का साबुत पे क्या बनाते हैं आप? साबुत ही पकाओगे अंदर? हाँ, ये साबुत ही पकाएंगे सीने को। पता है आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है ये रवाज है, ये चर्बी नहीं, ये होता है खाने का बस। सबसे टेस्टी गोश्त यही होता है, ये जो रकम है ना, और ये दस्ती है। दस्ती तो बकरे की शान है। ये जूसी गोश्त होता है, बहुत मज़ेदार गोश्त। अगर अपनी पसंद से बनवा रहे हैं गोश्त। ये जोड़ा है कि जोड़ा है? सही, ये अगला है दस्ती का। आप बिहारी भी बना सकते हैं, ये दस्ती भी साबुत रहेगी। जैसा गोश्त बनवाना है बनवा ले, अब घर पे ले आके बकरा अपने घर पे ले आके भी बनवा सकते हैं। सारी सर्विस मिल जाती है। ये साबुत ही रोस्ट होगी ये दस्ती, और ये साबुत तो ऐसे पकती है कि क्या बताऊं मैं आपको। ये कट तो नहीं मारने दस्ती में? कट लगाने कर नहीं। चलो ये दस्ती और ये सीने हो गए साबुत। अब दूसरी दस्ती साफ हो रही है, इसकी बोटी में नहीं। देखिए लेप होता है, बाकी इसमें से छिछड़ा है, ये गलता भी नहीं है, ये जो आपके दांतों पे जाके फंस जाता है। बाकी ये तो ऐसे घुल जाता है मुँह पे बर्फी की तरह गोश्त।
करना है बेटा, क्या कर रहा है? 250 ग्राम गांजे में हो गया। अरे 800 ग्राम 4 किलो ये आ गए। ये अगला दस्ती का अगला। इसकी हाथ क्या कर रहे से हाथ क्या सफाई कर रहे हैं भाई, ताकि डायरेक्ट गोटी बना दे। अच्छा ये आधे बकरे की सफाई हो चुकी है, अब ब्राणों की बारी। ये गुर्दे निकल गए बाहर से, गुलाड़े उलाड़े भी सब इनके। सब पूरा बकरा लें आपको, ये सीरी पाए मगस फेफड़ा गलेजी, ये कपूरे निकल गए। बहुत तगड़ा बकरा था ये माशाल्लाह, बहुत तगड़ा बकरा। इसको पल्ला कहते हैं, इसी का कीमा बनता है। हमने आज के दिन पूरी ये फुट आ गई बाहर। ये गुरुद्वारे का बना करके तुमने ये है पोट, साफ हो गई है, दूसरी भी साफ है। ये राना, बाकी सब साफ हो चुका है, अब इन रानों की बारी। साबुत बाबुत तो नहीं है इसमें, कीमा तो हो जाएगा 2-2.5 किलो सिम नहीं ना, 2-2.5 किलो ये इसमें नहीं हो जाएगा। ईरानों की सफाई चल रही, Thank you.
अच्छा सारी गुड़ियां अलग हो जाएंगी सूप के लिए, इसका सूप बहुत जानदार बनता है गुड़ियों का। चावल करनी है कि जगह बनाना है? चावल इसी में डाल देना, एक ही में डाल देना। दूसरे दाम की सफाई चल रही है। देखें सब कीमे की ले जमा हो गया, साफ सुथरा कीमा है, सब कीमा सीने भी साबुत जाएंगे, लाभ नहीं दियो सीने साबुत है। यहाँ बहुत सारे लोग शौकीन वही सब भाई, ये बकरा हो चुका है साफ, अभी इसकी बॉडी बनेगी। ये दस्ती साबुत है, ये फलक कीमा साफ कर रहा है। वालेकुम सलाम, और फलक
कीमे की सफाई कर रहा है। फलक माशाल्लाह इसकी ट्रेनिंग चल रही है, बच्चा बहुत फास्ट काम सीख रही है, थोड़े दिन बाद फुल कारीगर बन जाएगा इंशाल्लाह, दुआ करें इसके लिए। ये डॉली भी चेक करें गोश्त, माशाल्लाह आपको ज़्यादा पता होगा गोश्त। दोस्ती चलेगी साबुत, चोट लगा अच्छे, चोट लगी ये सीने भी साफ हो जाए। नॉर्मल साइज की बोटी, नॉर्मल साइज की बोटी होंगी, ये सालक मिली है। ये फुट बन गई, गर्दन बन गई, ये भी गर्दन, इसकी निहारी भी बना सकते हैं। निहारी वगैरह का अलग तो नहीं करूँगा, हड्डी मुझे एक आन किलो। अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह रहम। पप्पू भाई धानी वापसी ले रख दे, इधर रख दे, इधर वो करेट अभी तक नहीं हटवाया बल। आसिफ भाई इंतजार, हाँ ना मैं पहले एहतियात कर ले। बिल्ली का बच्चा तो नहीं देख लिया तू? ये तो बकरा बन गया, इमरान सीधी बैग बने। वो भी आज ही बनेंगे चार। रेहान भाई नहीं आए पाए सारे ऐसे खड़े में। रेहान भाई सुन रहे हो ना तुम? वो छील देता है बंदा, बेटे हाथ के हाथ छील देता है। ये
मेरे सूप के लिए अलग हो रहा है, वो मिक्स गोश्त बन रहा है, पैकेट बनेंगे गोश्त के। नहीं बताएंगे अभी अंकल कैसे पैक होगा। तकरीबन 3 किलो जितना तो ये भी डाल दे। क्या बने अब अलग बनेगी।